तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC बंदरगाह भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी फाइनल कट ऑफ को लेकर, आखिर जो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और फिजिकल की कट ऑफ कितनी रह सकती है। जैसा कि आपको बताया, 8 प्रश्नों पर यहाँ पर फुल मार्क्स दिया गया, 3 प्रश्नों के आंसर को चेंज किया गया और जो बंदरगाह की संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, तो सभी पर हम बात करने वाले हैं और इसके रिजल्ट को लेकर हम बात करेंगे। आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा और कब तक इसका जो फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, सभी पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और देखो जो भी साथी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो साथियों, जैसा कि आपको बताया, आपकी जो कुल पद 701 पद है, 30 अप्रैल को इसकी परीक्षा हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, देखो अच्छे खासे बच्चे एबसेंट रहे थे, फिर भी आपको बता दूँ जो भी बच्चे बैठे थे कहीं ना कहीं उनका लेवल भी अच्छा था। यहाँ पर क्या, आप देखो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, बोलने लगता है कि 70 पर सिलेक्शन हो जाएगा और इससे नीचे ही सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। तो ये सारी चीज़ें से आप दूर रहिए। देखो आपको बता दूँ इतने पर तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कंपटीशन का स्तर इसमें है काफ़ी अच्छा कंपटीशन का स्तर है, क्योंकि जो भी बच्चे 11,812 बच्चे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं या तो लेखपाल में उसका सिलेक्शन हो गया है, ना हुआ है तो फिर उसका नहीं हुआ, फिर वो अच्छी खासी तरीका से अच्छी तरीका से मेहनत की है। हालांकि आपको बता दें, जिस बच्चे का लेखपाल में सिलेक्शन हुआ तो वो एक असमंजस की स्थिति में फंसा रहा था कि मेरा हो गया, मेरा हुआ है कि नहीं हुआ, इस प्रकार की चीज़ें उस समय जो कोर्ट की भी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही थी, इस हिसाब से वो बच्चा असमंजस में फंसा हुआ था। अब जिसका नहीं हुआ, जिसका यहाँ पर मेंस परीक्षा में बैठा, तो वो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। उसी प्रकार से जो LDA UDA के बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, क्योंकि उसमें 76 ही तो पद थे, तो काफी बच्चे वहां पर भी बैठे थे। तो इससे आप लोग समझ रहे हो कि कट ऑफ कम जाने वाली है। देखो आपको बता दूं, इस बच्चे ये कोई प्री जैसे बोलते हैं कि प्री एग्जाम तो था नहीं कि इसमें सभी बच्चों को उठा लिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये मेंस परीक्षा थी, इसमें अच्छे ही बच्चे बैठे थे, पहले प्री क्वालिफाई मतलब पैट क्वालिफाई करके आए थे और अच्छा खासा मतलब कट ऑफ भी किया था पैट का, ठीक है। तो उस समय बहुत सारा विवाद भी हुआ था और आप लोग सोच रहे हो कि 70 कट ऑफ चली जाएगी, मेरे अनुसार नहीं होने वाला। जिस प्रकार से आप सोच रहे हो, कल भी 8 प्रश्नों को चेंज किया गया, तो हालांकि यहाँ पर जिस भी बच्चे को सभी बच्चों को यहाँ पर जिन्होंने भी बच्चों ने परीक्षा दी है सभी को यहाँ पर फुल मार्क्स मिलने वाला है 8 प्रश्नों पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे तो वो बता दिया, यहाँ पर सभी को मिलने वाला है। अब आखिर कट ऑफ कितनी रह सकती है जो फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए, ठीक है। अब वो देखो आपके ऊपर निर्भर करता है, अब ये सारी चीज़ मानो या नहीं मानो, और लगता है कि कम कट ऑफ जाने वाली तो फिर आप सोचते रहिए, क्योंकि समय जो लास्ट में जाकर क्या होता है, जब रिजल्ट वगैरह जारी होगा तो एक तरीका समझोगे कि मैंने समय गवा दिया। तो आप दूसरे एग्जाम पर फोकस कर लीजिए और जो कट ऑफ बताई जा रही है अगर इससे ऊपर आपके नंबर है तो आपको निश्चिंत तरीके से अपनी फिजिकल की तैयारी करिए और इस दिन पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे कि हम बात करने वाले हैं, तो जैसा कि सारी चीज़ें क्लियर है कि 701 पद हैं, ठीक है, 701 पद हैं, तो लगो 8 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर लगो जो बच्चे आधे समझ सकते हो कि 50% मतलब 5608 बच्चे फिजिकल के रिकॉर्ड किए जाएंगे, और आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होगे कि बच्चे फिजिकल में फेल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो जब वेदर वगैरह भी थोड़ा अच्छा होगा, जब इसकी रनिंग वगैरह होगी, तो इतना बच्चा यहाँ पर फेल नहीं होने वाला। और प्रत्येक बच्चा कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर कर लेता, जिस प्रकार से अभी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल हुआ है तो उससे बच्चे काफ़ी सीखे हुए, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे अच्छी खासी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा समझदार ज़्यादा सोच रहे हो कि ज़्यादा मतलब बच्चा फिजिकल में फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा अगर बच्चा आउट होगा तो सिर्फ एक कारण है, यहाँ पर जो जो कट ऑफ होगी फाइनल कट ऑफ, वहाँ पर भी मतलब बच्चा फेल हो ज़्यादा फेल होने वाला है, ठीक है, वहीं से आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर 5600 जैसे अभी जो एग्जैक्ट नहीं है कि हालांकि इतनी बुलाई गए, मगर जैसे कि 5600 बच्चे बुलाए गए तो इसमें से सिर्फ 701 बच्चे लेने, तो यहाँ पर एक मेन कारण यही रहेगा, कुछ बच्चे फिजिकल में आउट होंगे फिर फाइनल मैट में आउट हो जाएंगे। तो लगभग अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, देखो हालांकि मैं रनिंग की कट ऑफ नहीं बताता, फिर भी आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे रनिंग के लिए, ठीक है, अगर रनिंग के लिए अगर रनिंग के लिए अगर जैसे UR हो गया, OBC हो गया और EWS हो गया, हालांकि तीनों कटे जो कट ऑफ है वो सेम जा रही है, अगर 6970 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आप इतने ना, तो फिजिकल के लिए आप तैयारी करते रहो, ठीक है। इतने अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं रनिंग में तो आप फिर आपके फिजिकल की तैयारी करते रहो इतने पर, और देखो तीनों कैटेगरी लगभग कट ऑफ सेम भी जाती है और फाइनल भी फिर ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। तो इतने नंबर बढ़ रहे हैं 69 से 70 के बीच में, तो फिजिकल की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और यही हम बात करने वाले हैं SC की और ST की, ठीक है, SC और ST की। अगर SC में लगभग 65 से 66 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर, आप सोच रहे हो 60 पर ही हो जाएगा, 62 पर हो जाएगा, नहीं होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होने वाला है। और यही हम बात करने वाले हैं देखो ST की, तो ST की लगभग जो कट ऑफ है वो 60 के अराउंड अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फिजिकल में आपको जो रनिंग के लिए कॉल किया जाएगा, अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं। और यही हम बात करने वाले फीमेल की, तो फीमेल की अच्छी खासी है,
तो जो भी कट ऑफ रह सकती है, और जो फीमेल में ठीक है, तो लगभग अगर 67 से 68 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए फिर तैयार रहिए, और फिजिकल में आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल में आसानी से इतने पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले फाइनल कट ऑफ को लेकर, आखिर फाइनल की कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, जैसे हम बात करने वाले जनरल की, अब देखो आपके ऊपर है, अभी ये चीज़ें मानो ही नहीं मानो, मगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से बच्चा सिक्योर है। ठीक है, अगर 74 से और 75 के बीच में नंबर है जनरल में, 70+ वाला जो भी बच्चा है वो पूरी तरीके से अपने आप को सिक्योर समझे, उसका फाइनल हो गया है। अगर इतने के बीच में नंबर है ठीक है, तो उम्मीद है इतने पर आसानी से इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, इतने पर आसानी से सेक्शन बच्चे का हो जाएगा। मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैंने कहा था 75 से लेकर 78 के बीच में नंबर है तो बच्चा अपने आप को सिक्योर समझे। तो वो इससे अंतर तो पड़ा है, देखो बहुत सारे बच्चे के, जो बच्चे ज़्यादातर उसके प्रश्न गलत थे। अब यहाँ पर ऐसे तो होगा नहीं कि बच्चों के लगभग सभी बच्चों ने यहाँ पर प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, 8 प्रश्नों पर फुल मार्क्स दिया गया, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों ने यहाँ पर सभी प्रश्नों को सही किया। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा, वहाँ पर बच्चों के प्रश्न भी गलती हुए होंगे, तो बहुत सारे बच्चों का स्कोर बढ़ा है, यहाँ पर काफ़ी बढ़ा है। ठीक है, 6 से 7-7 नंबर बढ़े। अगर जनरल में 74 और 75 के बीच में नंबर है तो निश्चिंत रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे ऊपर कहते तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। और यही हम बात करने वाले हैं ओबीसी की। और देखो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 73 और 74 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो इतने पर निश्चिंत रहिए, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यही हम बात करने वाले हैं एससी और एसटी की। और अगर एससी में 69 के करीब नंबर है तो इतने पर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, फाइनल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहीं एसटी की बात करते हैं तो 63 पर आसानी से यहीं पर हो जाएगा। और यही हम फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, फीमेल में लगभग 71 और 72 के बीच में इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट ऑफ बताई गई है लगभग इतनी कट ऑफ रह सकती है, और ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है, ये 100% नहीं कह सकते, फिर भी आपको बता दूँ, जो आप सोच रहे हो कट ऑफ कम चली जाएगी, 70 चली जाएगी, 72 चली जाएगी, 73 चली जाएगी जनरल ओबीसी की, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो पेपर का, हालांकि जो भी बच्चे बैठे थे आप ये समझो कोई प्री पेपर नहीं था यहाँ पर, जैसे कि एक तरीका से पहली बार परीक्षा हो रही है यहाँ पर, बच्चे जो पैट पास करने के बाद और एक तरीका से इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद तो अच्छा खासा बच्चा बैठा था। ठीक है, और जो बच्चे बहुत सारे देखो किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी लास्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, लेखपाल में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे तो उस प्रकार से मेहनत करते हैं, एलडी यूडी में बच्चे फेल हो गए थे वो भी मेहनत करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि इतने पर हो जाएगा, हालांकि बहुत सारे बच्चे इसके बाद गाली भी देने वाले, मुझे पता है, क्योंकि का यहां पर सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, मगर सच्चाई यही है कि जो 11,812 बच्चों में सिर्फ 701 बच्चों को लिया जाएगा, तो यहां पर आप जैसे कि सभी को तो लिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ इतनी रह सकती है, और अगर इतने नंबर है तो मेरे अनुसार आप पूरी तरीके से सिक्योर रहिए। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। धन्यवाद। और हालांकि हाँ, रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट इसी महीने का लास्ट तक आने की उम्मीद है, और जाएगा तो एक आध वीक जा सकता है कि नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि जैसे वीडियो री एग्जाम का पेपर लगा हुआ है तो इस हिसाब से, मगर उम्मीद इसी वीक इसी महीने का लास्ट तक है। अगर जैसे कि ज़्यादा प्रेस, क्योंकि वीडियो री एग्जाम लगा हुआ है इसकी वजह से जा सकता है, तो एक वीक जा सकता है जुलाई के अंदर। ठीक है, मगर उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा, उसके बाद लेखपाल की डीबी के बाद इसका भी फिजिकल वगैरह स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस हम यही बताते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।